हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड अभी आप देख पा रहे होंगे, ये सुल्तानगंज का वीडियो है और गंगा घाट के पास देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा कांवड़िया का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। और आज सावन का दूसरा दिन है और मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर अगर आपको दिखाएँ तो देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है कांवड़िया का। और इसी तरह से यहाँ पर डेली का अपडेट आपको मिलेगा सुल्तानगंज का। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं यहाँ पे सुल्तानगंज में किस तरह से कांवड़िया आते हैं और यहाँ पे गंगा स्नान करके उसके बाद फिर गंगा जल ले के फिर जाते हैं बाबा धाम की ओर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गंगा का जो जल स्तर है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अभी, और यहाँ पर गंगा घाट के पास बांस दिया हुआ है जो कि बांस से घेर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो कांवड़िया तो बांस के उस पार जाके ना नहाए, क्योंकि कुछ कांवड़िया जो है हम देखे हैं क्या जाते के साथी को उस पार जाके नहाते, तो उसके लिए वहाँ पे प्रशासन रहते हैं और पानी में ही बोट के सहायता से इधर से उधर होते रहते हैं। और कोई भी कांवड़िया अगर बांस के उस पार जाते हैं तो उसे इस पार करते हैं। देखें यहाँ पर संकल्प किया जा रहा है गंगा जल लेके, यहाँ पे सुल्तानगंज में सबसे पहले संकल्प किया जाता है और कुछ कांवड़िया यहाँ संकल्प नहीं करवा के बाबा धाम में भी संकल्प करवाते हैं। तो सबका अपना अपना मन होता है और काफ़ी ज़्यादा कांवड़िया का यहाँ पे संकल्प होता है, उसके बाद फिर बाबा धाम जाते हैं। बाबा धाम में नहाने के बाद फिर वहाँ पर भी संकल्प किया जाता है। और यहाँ पर अगर फिलहाल आपको दिखाएँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरह का यहाँ का माहौल है सुल्तानगंज का। इसी तरह से यहाँ पे नहाने के बाद गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल को रख के संकल्प किया जाता है, अगरबत्ती दिखाया जाता है। और यहाँ पे देखिए डाक बम को, यहाँ पे आपको डाक बम भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। अगर दिखाएं तो यहाँ देख पा रहे होंगे सावन का आज दूसरा दिन है और भीड़ का बात करें तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा उबड़ा हुआ है। और वहाँ पे जो आपको पंडाल दिखाई दे रहा है वहाँ पे इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में डेली 6:30 से 7 बजे तक स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम रात तक चलता है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया जाता है सुल्तानगंज में। और काफ़ी बड़े बड़े स्टार आते हैं और यहाँ पे सुल्तानगंज में प्रोग्राम काफ़ी अच्छा किया जाता है, जो कि गंगा घाट के बगल में आपको प्रोग्राम देखने को मिलता है कांवड़िया को। और यहाँ पे देखिए किस तरह से कांवड़िया कांवड़ लेके अभी खड़े हैं। जिसका गंगा जल का संकल्प हो गया वो कांवड़िया देखिए धीरे धीरे जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। कोई पिटिया बम जो कहते हैं, जो कोई पीठ में टांग के लेके जाते हैं जल को, इसे पिटिया बम कहते हैं। और कोई कांवड़ लेके जाते हैं तो कोई झोला में करके बस से जाते हैं और कोई ट्रेन से जाते हैं। सबका अपना अपना मन होता है। ये सुल्तानगंज घाट का वीडियो है और आपको इस चैनल पे डेली सुल्तानगंज का वीडियो का अपडेट मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर साल का हम अपडेट देते हैं सुल्तानगंज का, अगले साल का भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमें अच्छा खासा व्यू मिला था और अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला था। इस बार भी उम्मीद है कि आप लोग उसी तरह से प्यार दिखाएंगे। और नीचे जो आपको यहाँ पे पक्की जो है ज़मीन जो है यहाँ पे आपको थोड़ा भींगा भींगा टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो अभी थोड़ा सा बारिश का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश होते रहता है। किस तरह से यहाँ पे कांवड़ियों का भीड़ लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ से कांवड़िया गंगा जल भर के जाते हैं कांवड़ लेके। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिसे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं फ्रेंड आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।